देश विदेश राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए इनेलो हरियाणा प्रदेश अपराध समाज मनोरंजन सभी खबरें एक साथ ओनली ऑन जेके ए न्यूज लाइव। जी सर, आज आपने हल्का नारायणगढ़ से आजाद उम्मीदवार नॉमिनेशन भरा है, क्या बताओगे और क्या रहेगा आगे? ऐसा है, जनता का फैसला सर्वमान्य होता है। पहले भी जब मैं चुनाव में खड़ा था, आज़ाद ही खड़ा था, जिला परिषद मेंबर का चुनाव था, चाहे वो जिला परिषद का वाइस चेयरमैन का चुनाव था। जो अब जो है आज़ाद ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। पूरे के पूरे हमारी जो टीम है, हमारा जो समाज है, जो भी साथी मेरे से जुड़े हुए हैं या जिनसे मैं जुड़ा हूँ। सर, ऐसा क्या कारण रहा है कि आपने जननायक जनता पार्टी का साथ छोड़ा? कारण की अगर बात की जाओ तो आप अगर देखोगे अपनी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत के बारे में, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारी मेहनत जननायक जनता पार्टी के लिए की, मेरे साथ और भी मेरा युवा साथी था जिसने, उसने भी बहुत बड़ी मेहनत पार्टी के लिए की। लेकिन एक बहुत ही चिंता का और बहुत ही दुख का विषय ये रहा कि जो टिकट थी वो ऐसे व्यक्ति को दे दी गई जो कभी मतलब इस पार्टी में ज़्यादातर फील्ड में इस पार्टी को लेकर, इस पार्टी की नीति और नीति को लेकर नहीं रहा। सर, अभी आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये रहेगी, सबसे पहले तो बात अगर मैं करूँ कि जो उम्मीद, जो एक विश्वास था जननायक जनता पार्टी के ऊपर, उसको बहुत आघात पहुंचा है पूरी की पूरी टीम को, पूरे के पूरे समाज को। क्योंकि जब एक युवा की पार्टी थी तो युवाओं ने इतने जोश और इतने उमंग के साथ पार्टी में मेहनत की थी, लेकिन क्या हुआ कि ऐन वक्त मौके पर आकर हमें मतलब छोड़ दिया गया। तो आगे की रणनीति है, देखते हैं। जैसे भी जनता हमें जितना आशीर्वाद देगी, लेकिन इतनी उम्मीद है कि जनता के विश्वास दिलाता हूँ कि जनता के हर उम्मीद पर, हर विश्वास पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर रही बात कि जो प्राथमिकता की अगर बात करूँ, तो चाहे वो शिक्षा को लेकर है, चाहे स्वास्थ्य को लेकर है, रोजगार को लेकर है, खेल को लेकर है, या हमारे किसान भाइयों की समस्या है, उनको लेकर हमारी पहली प्राथमिकता है। अब देखें 7 डेज हलचल पर सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। जेके ए न्यूज लाइव प्रोग्राम ओनली ऑन 7 डेज हलचल। कॉन्टैक्ट फॉर न्यूज एंड एडवर्टाइजमेंट इन दिस।